हेलो गाइस, नमस्कार। मैं सीमा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सीमा ब्लॉग्स में। होप सो आप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग करते हैं सुबह के 10:30 बजे से, और रोज की तरह पहले आपको बाहर का मौसम दिखाएंगे, उसके बाद जो कुछ भी होगा वो आगे आपको दिखाते रहेंगे। तो दोस्तों, अभी 10 बज रहे हैं और सब घर वालों ने नाश्ता पानी कर लिया है, बस मैं ही बची हूँ। मुझे नहाना है तो मैंने नाश्ता वास्ता कुछ नहीं किया है, और बाहर पे इतनी तेज़ बारिश हो रही है तो मेरा प्लानिंग अभी नहाने का बन रहा है, क्योंकि कल भी मौसम ख़राब था तो मैंने, मेरा मन नहीं हुआ, आलस आ गया था तो मैं नहीं नहाई, बट आज तो नहाना ही नहाना, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, 2-3 दिन हो गए नहीं नहाए हुए। तो मौसम तो बारिश तो हो ही रही है, बट क्या कर सकते हैं, नहाना भी ज़रूरी, नहाएंगे तो फ्रेश फ्रेश फील होगा और आपको फ्रेश फ्रेश देखने को मिलेगा वीडियो में। और बाकी मैंने घर का सारे काम कर लिए हैं, झाड़ू पोछा, और अभी भैया गए हैं, शैम्पू ख़त्म हो गया था मेरा, तो भैया गए शैम्पू लेने के लिए। जैसे वो आता है तो मैं नहाने के लिए चली जाऊंगी। और तब तक आप बाहर के मौसम का आनंद लीजिए, चौमासा पहनी सुन है भी। तो बारिश हो रही है बाहर पे बहुत, और तब तक आप बाहर के मौसम का आनंद लीजिए, और मैं करती हूँ भैया का वेट और आपको तब तक बाहर का व्यू दिखा देती हूँ। पहले इस महाराज को देखो, ये देखो, मैंने घर अच्छा बनाया था, इसने सारे खराब कर दिए बेडशीट को। और ये महाराजा स्कूल नहीं गया है, क्यों नहीं गया स्कूल? बारिश होगा तो स्कूल नहीं जाना है क्या हैं? ये भी कोई बात हुई? देखो महाराज को टीवी देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखो, और क्या आ रहा है, बंदर ही आ रहा है। अच्छा, और अब चलते हैं बाहर की तरफ, बाहर का मौसम दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार है बाहर का मौसम, बारिश हो रही है और हमारे आंगन में पानी भर चुका है। देखो पूरे आंगन में बारिश का पानी ही पानी है, और कल मैं कपड़े उठाना भूल चुकी थी तो कपड़े भीग चुके हैं, और भीग चुके हैं तो दोबारा से मैंने उठाया नहीं, भीग नहीं दिया उसको, तो क्या करना है, हो गया, सूख जाएगा, धूप कभी ना कभी तो आ ही जाएगा। तो बाकी ऐसी है फिर मौसम का हालत। और बाकी यहाँ पे मम्मी धन बिन रही है, और मेरा शैम्पू भी आ चुका है, तो अब मैं नहाने के लिए जाती हूँ। तो दोस्तों, हम तो चले नहाने को, और मिलते हैं आपको नहाने के बाद। मैं नहा धो के फ्रेश हो चुकी हूँ, और अभी मुझे बिल्कुल फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है। तो नहावा तो लिया है, और अब करते हैं नाश्ता, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और आपको मिलते हैं नाश्ता करने के बाद, तब तक के लिए बाय। नाश्ते में बना है आज चन चन, तो आज बनी है मैगी नाश्ते में, और मैं मैगी का आनंद लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। नाश्ता पानी सब हो चुका है, और अभी हो रहे हैं 12:30, और मम्मी आपको दिख रही होगी किचन में, मम्मी बना रही है खाना, और मैं चाय का वेट कर रही हूँ। मम्मी दिख रही होगी आपको किचन में, मम्मी बना रही है खाना, और मैंने मम्मी से बोला कि अदरक ठोक के मलाई ठोक के चाय बना दो, तो चाय पीने का मन हो रहा है, क्योंकि नहाने के बाद चाय नहीं पियो तो अच्छा नहीं लगता है। चाय पीने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे कि क्या जो हो गया है, तो मैं चाय का वेट कर रही हूँ। और बाकी ऐसी है फिर आज का भी सीन। तो गाइस, मेरी चाय तो आ चुकी है, और मैं चाय इंजॉय करती हूँ, क्योंकि बाहर मौसम ठंडा ठंडा भी हो रहा है, और ठंडे मौसम में चाय पीने का मज़ा ही कुछ और होता है, तो मैं पीती हूँ चाय। तो दोस्तों, मुझे इतने सारे कपड़े फोल्ड करने हैं, तो अपने काम पर लग जाती हूँ, जब तक खाना बनता है तब तक मैं अपना ये कपड़े फोल्ड करने का काम कर लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। तो देखिए मैं किस तरीके से काम करती हूँ, बिल्कुल अच्छे से करती हूँ मैं। तो देखिए,
याद आ गई हल्की हल्की सी बरसात आ गई, आदू संसारा आदू मुनस्यारा मेरो पराना ज्वार मुनस्यारा, रंगीलो ज्वार मा मेरो मुनस्यार मा मेरो पहाड़ मायो, जन्म की हर जन्म में मेरो जन्म हो ज्वार मुनस्यारा, नो लेना बेकाल मुनि तल्ला जोहारा, कुगरी बिगड़ी मल्ला जोहारा, आदू संसारा आदू मुनसारा मेरो पराना ज्वार मुनशरा, याद आ रहा है तेरा प्यार, कैसे लगी दोस्तों मेरी सुरीली आवाज़। आई होप आपने इसको इन्जॉय किया होगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरी वॉइस कैसी लगी आप सबको। अगर आपको मेरी वॉइस अच्छी लगी तो जब मेरे 1K सब्सक्राइब हो जाएंगे तो मैं आपको एक मुंशियारी का बहुत ही अच्छा गाना सुनाऊंगी। उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि कैसा लगा आवाज़। अगर बकवास लगा तो तब भी कमेंट करना कि दोबारा मत गाना। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताना कि वॉइस अच्छी थी, और हम जल्द से जल्द 1K आपके करेंगे और आपके गाना सुनेंगे। तो 1K आपके हाथों में दोस्तों, अगर आपने 1K किया और मेरी आवाज़ आपको सुनने को मिलेगा। तब तक वेट करना, आज सुना दिया गलती से, बार बार नहीं सुनाऊंगी मैं आपको। अब आपके सामने एक डील है, मेरा जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइब कर दो और आप मेरी मधुर आवाज से गाना सुनो मुंशियारी का। उससे पहले मैं नहीं सुनाऊंगी। चलो फिर गाइस, आपसे बात करते करते काम भी हो चुका है और बस ये लास्ट बचा हुआ है, इसको भी फोल्ड कर लेते हैं। और काम फिनिश हो गया है, अब देखते हैं खाना बन गया हो तो खाएंगे, वरना टीवी देखेंगे। तो दोस्तों खाना आ चुका है, आज बना है चना दाल और भात, यानी कि चने की दाल और भात, और ये चुत कुटी यानी कि मूली कुटी हुई है ये। तो अब स्टार्ट करते हैं खाना, भूख भी लग चुकी है तो खाते हैं, और आपसे खाने खाने के बाद मिलते हैं। तो खाना पीना खा लिया है और मैंने बर्तन भी धो लिए, अब करते हैं थोड़ी देर आराम और आपको थोड़ी देर बाद मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। तो दोस्तों अभी लगभग 5 बज चुके हैं और हमारा चाय पानी सब कुछ हो चुका है, और आज हमारे घर में मेरी छोटी बहन माए के फ्रेंड आए हैं और वो कर रहे हैं 15 अगस्त की तैयारी। बट मैं देखती और आपको भी दिखाती, लेकिन उन्होंने दरवाजा बंद करके डांस की तैयारी कर रहे हैं, तो बस गाने सुनाई दे रहे हैं और उनके पाँव के आवाज़ सुनाई दे रहे, तो उसके अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा। अगर दिखता तो मैं आपको ज़रूर दिखाती, बट अगर हो पाएगा पॉसिबल, अगर उन्होंने खोल लिया तो मैं आपको पक्का दिखाऊंगी। ठीक चू, तब तक क्या कीजिए, कुछ है नहीं तो अभी थोड़ा स्टॉप करते हैं ब्लॉग, फिर उसके बाद जो भी होगा आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी शाम के 6 बज रहे हैं और अभी मैं बाहर पर टहल रही हूँ, और मौसम भी अभी अच्छा हो गया, सुबह जो बारिश हो रही थी अभी ठीक है मौसम, और तो अभी सुबह की अपेक्षा मौसम ठीक है, और कुछ इस प्रकार है अभी मौसम। और यस्सु महाराज यहाँ पे पानी पी रहे हैं नल जूटा करके। ओए जूटा करके नहीं पीते हैं, अरे सुनता ही नहीं है लड़का। और देखो मुंशियारी का नजारा।
8 बज रहे हैं और मम्मी खाना बना रही है। मैं रोज की तरह बैठी हूँ, यस को होमवर्क करा रही थी और मैं होमवर्क कराने में बिजी हुई है, तब तक मम्मी ने खाना बना लिया था तो खाना बन रहा है। तो देखो गाइस क्या हाल कर रखा है यस्सू ने घर का। वाह 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 वाह। देखो सबके घर में एक एक शैतान बच्चा होता है ना, हमारे घर में वो शैतान बच्चा यस्सू है। और देखो यहाँ पे कुशन कैसे गिराए हैं उसने, ये देखो कुशन की हालत, ये देखो पूरा घर कवाड़ा कर दिया उसने। क्या कर सकते हैं, बच्चा है, मार भी नहीं सकते हैं, बस इसको ठीक ही कर सकते हैं, हम रूम ठीक कर सकते हैं, वो सुधरने वाला तो है नहीं। बाकी यहाँ पे खाना बन रहा है, एक एक चूल्हे में चावल और एक चूल्हे में सब्जी, और आपको बताती हूँ आज क्या बन रहा है। तो आज बन रहा है चिकन और ये तेल में फ्राई हो रहा है, क्योंकि इसमें मसाला नहीं डालेगा, उसको अच्छे से हम तेल में पकाएंगे, उसके बाद इसमें मसाला डालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मम्मी ने मसाले रेडी कर लिए हैं और हम यहाँ पे मसाले भिगो के रखते हैं, क्योंकि जो हम बाज़ार से पिसे हुए मसाले लाते हैं उसके अजीब से स्मेल आते, तो भिगोने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे हमने सिलपट्टे में पीसे हैं। खैर हमें ऐसा लगता है, औरों को हमें पता नहीं, तो हम भिगो के रखते हैं और भिगो को थोड़ी देर भिगोने के बाद ही इसको सब्जी चिकन में डालते हैं। आज बनना है शिकार भात, हमारे वहाँ तो शिकार भात ही बोलते हैं, यानी कि चिकन और चावल और रोटी बनेगा। तो मेरा तो फ्राइडे में खाती नहीं हूँ, तो मेरे लिए दिन में का बचा होगा बासी। दिन में क्या बनाया था, हाँ दिन में बनाया था चने की दाल बनाया था, तो मैं चने की दाल खाऊंगी और वो लोग खाएंगे शिकार भात खाएंगे। दुकान से लेट ही आते पापा लोग, लगभग 8:30 या फिर कभी कभी 9 बजे भी आते हैं, तो पापा लोग जब आएंगे तो सब साथ बैठ के खाएंगे। और तो दोस्तों अभी लगभग 9:30 हो रहे हैं और मेरा खाना पीना सब हो चुका है और अब सोते हैं, क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका है, जल्दी सोएंगे तो सुबह जल्दी उठेंगे। और तो मेरा बिस्तर लग चुका है, आप देख रहे होंगे बिस्तर मैंने लगा लिया है, अब सोते हैं और मिलते हैं आपको कल को नए ब्लॉग के साथ। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आए, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों अब सो जाते हैं, और आपने खाना नहीं खाया तो खाइए, और खा लिया तो सो जाइए टाइम से, और तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।